और एक बम्पर, कितना सुंदर रास्ता है। थोड़ा ऊंचा नीचा तो रहेगा रास्ते में। ये रास्ता बहुत डेंजरस होता है, साइड में जो इधर थोड़ा थोड़ा रास्ता खराब है, मतलब ये ठीक होगा रास्ता, इसीलिए ये रास्ता को थोड़ा वो क्या बोलते हैं खुदाई किया हुआ है रास्ते में, थोड़ा खुदाई किया हुआ है। ये रास्ता ठीक हो जाएगा लेकिन टाइम तो लगेगा बॉस। अभी मैं हूँ दुर्गा नगर पे। ये छोटा छोटा जो खुदाई किया हुआ है रास्ता, ये बहुत डेंजरस रास्ता होता है। बस देखिए कैसे जा रहा है, पूरा टेढ़ा हो गया है, एक साइड टेढ़ा हुआ है बस, शायद बैलेंसिंग के लिए। रास्ता खराब है, ये रास्ता बहुत डेंजरस रास्ता है, बहुत स्लिपरी होता है रास्ता। फिर से धीरे धीरे चलाना पड़ेगा इसमें, बहुत स्लिप करता है रास्ता। बाइक वालों के लिए ज़्यादा रिक्स है, फोर व्हीलर्स के लिए उतना रिक्स नहीं है। पूरा ऑफ रोड टाइप सा पैच है ये वाला, पूरा धीरे धीरे चलाना पड़ेगा। देखिए फोर व्हीलर के लिए ये रास्ता कोई दिक्कत नहीं होगा, वो आराम से निकल जा सकता है, लेकिन टू व्हीलर वालों के लिए बहुत दिक्कत है इस रास्ते में जाने के लिए। तो भाइयों सब लोग ध्यान से अपना बाइक चलाना इधर, ठीक है, क्योंकि ये रास्ता ऐसा रास्ता जब मिलेगा बहुत ख़राब रहता है, बाइक लेफ्ट राइट हो सकता है। फिर से आ गया ऐसा रास्ता, ब्रिज में भी कितना खराब रास्ता है, देखो ओ भाई कैसा रास्ता है। देखो एयरपोर्ट कितना सुंदर लग रहा है, काम चल रहा है एयरपोर्ट में, पिलियन के लिए तो बहुत प्रॉब्लम होता होगा। पाइप नीचे लटक रहा है, देखिए पाइप वो एसी का जो पाइप होता है, मतलब ये वायरिंग का पाइप है, वो नीचे लटक रहा है। वो चला गया, नहीं तो मैं बोलने वाला था, चलो बोल देते। दादा पाइप नीचे पड़े आज, पाइप तो मैं बोल दिया, पाइप नीचे पड़ा था उसका, कुछ खराब हो जाता और गिर भी सकते थे वो लोग, तो छोटा छोटा हेल्प करना चाहिए रास्ते में लोगों को। अपना 2 मिनट ज़्यादा तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन लोगों को हेल्प होना चाहिए, ठीक है। रास्ता खराब,
लगता था मुझको इधर आके थोड़ा थोड़ा जैम तो मिलेगा ही, इधर थोड़ा थोड़ा जैम लगता है। सामने एक जंक्शन है इसीलिए, मतलब लेफ्ट साइड में सब न्यू टाउन में घुस जाते और सीधा चला जाते वीआईपी रोड का ही, इसीलिए थोड़ा थोड़ा जैम लगता है इधर। कितना जैम है भाई, इतना जैम, ओह माय गॉड। मुझे साइड से बाइक है इसीलिए मैं कितना दूर आ गया था, लेकिन ये अगर फोर व्हीलर होता इतना दूर नहीं आ सकता था। बाइक है इसलिए किसी जगह से भी घुस जा सकते हैं। ये बस देख लो भाई, L238, ठीक है, हम इसको L238 कहते हैं, ठीक है। बहुत खींचता है भाई, बहुत खींचता है, देखिए देखिए कैसा खींच रहा है, साइड ही नहीं दिया। ये L238 है, इससे कभी पंगा नहीं लेने का, ठीक है। मैं ले लेता छोटा मोटा, ये साइड ही नहीं देता है, ऐसा ही बस है, किसी को परवाह नहीं है इसका। अभी तो मैं बीच में घुस के आ गया, बीच में से आते हुए जा रहा हूँ। अभी सिग्नल ओपन है इसलिए निकल गया, नहीं तो इधर सिग्नल होता है। गाड़ी ज़्यादा निकल गया है आज, तो कैसा लग रहा है दोस्तों ज़रूर बताइएगा कमेंट करके, क्योंकि बहुत दिनों बाद मैं व्लॉगिंग शुरू किया हूँ, ठीक है। तो कैसा लग रहा है, देखिए भाई ब्रिज में भी जैम हो रहा है आज, कितना गाड़ी है ब्रिज में, इतना गाड़ी ऊपर उठ रहा है भाई, कितना जैम है आज संडे के टाइम। ओ भाई, तो मुझको डाइना तरफ जाना है, अभी मैं गाड़ी को स्लो कर लेता हूँ। मैं परफेक्ट टाइम में हर जगह जाता हूँ, देखिए मैं इधर आया और सिग्नल ग्रीन हो गया, तो यही बात, ऐसा कुछ बात नहीं हो गया, तो इसीलिए थोड़ी फुटेज तो खाना पड़ेगा ही भाई। बाएं तरफ जाना है, डक 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 डक, बुलेट, एक बुलेट का शौक मुझे भी है, एक किसी दिन होगा तो खरीदूंगा। सब कुछ का ना एक परफेक्ट टाइम होता है, तो अभी शायद वो टाइम नहीं है, वो टाइम जब होगा तब मैं खरीद लूँगा। तो हो गया पूरा ट्रिप, थैंक यू दोस्तों, बाय बाय।